कुंभ राशि, परेशानी को मार दो गोली, अब आपके दिन खुशियों से भरे रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। दोस्तों 9, 10 और 11 जुलाई इन तीन दिनों में आपके दिन खुशियों से भरे रहेंगे। इन तीन दिनों में किस तरह की खुशखबरियां मिलेगी, इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। दोस्तों इन दिनों अचानक ही कोई बड़ा फायदा मिलने के योग बन रहे हैं। आपके कारोबार में विस्तार होगा, इनकम के नए सोर्स मिल सकते हैं। जो लोग पार्ट टाइम काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए यह योग बेहद फायदेमंद रहेगा। पुराने दोस्तों के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे। दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी। घर परिवार की सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी हो सकती है। आपकी कोई पुरानी प्लानिंग सफल रहेगी जिससे आपका मन भी हर्षित होगा। पहले किए गए किसी काम से आपको फायदा होगा। जो संबंध बिगड़ गए हैं उनमें कुछ सुधार हो सकता है। आपको सभी लोगों का सम्मान करना होगा। तो चलिए अब बात करते हैं आपका सामान्य सा राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में जानते हैं। आपको अपने कार्यों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी, तभी आपको अच्छा लाभ हो सकता है। जिस काम को आप बहुत सरल समझ रहे थे वह काम आपको कठिन लग सकता है। अचानक कामकाज का बोझ आप पर और अधिक बढ़ सकता है। ऑफिस और कार्यक्षेत्र में आपके पास काम भी अधिक हो सकता है, परंतु इसमें आपका थोड़ा ही काम आज पूरा होगा। इन कामों को पूरा करने के लिए आपको अपने निजी हितों का त्याग भी करना पड़ सकता है। दोस्तों किसी यात्रा का प्लान बनाया प्रोग्राम बिगड़ सकता है। धन लाभ होने के प्रबल संकेत मिल रहे हैं। आपको कुछ ऐसे अवसर मिल सकते हैं जिन अवसरों को आप हत्या कर जो कि अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, अपनी पोजीशन को बढ़ा सकते हैं, अपने करियर को मजबूत बना सकते हैं। तो अगर आपको 9, 10 और 11 जुलाई इन तीन दिनों में कोई अवसर मिले तो उनको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कौन से बातों का ध्यान आपको रखना है उसके बारे में भी जान लेते हैं। आप बाहर के खानपान से बचे। नौकरी के क्षेत्र में कार्यभार अधिक रहेगा जिसके कारण शारीरिक थकान महसूस हो सकती है। आपको अपना नजरिया सकारात्मक रखने की आवश्यकता है। यदि आप कहीं निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो घर के बड़ों की सलाह अवश्य लीजिएगा। माता पिता के साथ आप किसी धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बना सकते हैं। भाई बहनों के सहयोग से आपकी कुछ परेशानियां दूर हो सकती है। यदि कोई वाद विवाद होता है तो जीत आपकी होगी। आपको संतान से सुख मिलेगा और कारोबार में सफलता मिलेगी। उच्च अधिकारी आपके कामों की तारीफ कर सकते हैं। आप अपना काम करते रहेगा, ईमानदारी के साथ करते रहेगा, उसका फल आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपके दिन खुशियों से भरे रहेंगे, ऐसा हमने क्यों कहा विस्तार से जानेंगे। 9, 10 और 11 जुलाई वाकई बहुत ही खास साबित होने वाले हैं। अगर आप एक व्यापारी वर्ग में हैं, यानी कि आप खुद का कोई व्यापार चलाते हैं, तो वहां पर आपको नए नए प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड आ सकती है, नए नए प्रोडक्ट्स के लिए मांग आ सकती है, तो उनको लेकर भी आप अपने व्यवसाय में उनको शामिल करके उससे भी अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। साथ ही साथ अवसर आपको इतने सारे देखने को मिलेंगे जिन अवसरों को आपने पहले ठुकराया था, वही अवसर अब आपके सामने आएंगे और उन्हीं अवसरों से आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, तो अवसरों को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। तो चलिए अब बात करते हैं आपका धनराशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आप मनोरंजन, आराम और विलासिता के बारे में सोच रहे हैं, जहां कुछ रोमांचक वित्तीय सौदे भी आपका इंतजार कर रहे हैं। व्यवसाय से संबंधित संघर्ष से बचने के लिए कूटनीति और नए अवसरों का प्रयोग बेहद जरूरी है। जो भी करे सोच समझकर और पूरा दिल लगाकर करेगा। कुछ सुनहरे अवसर आपके दरवाजे पर हैं जिनसे आप लाभ और प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। आप महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए नई दिशा की तरफ बढ़ सकते हैं। अब आपको कोई नहीं रोक सकता, इसलिए दृढ़ता से आगे बढ़े, क्योंकि आपके कदम आपको प्रतिष्ठित स्थिति में ले जा रहे हैं। अब बात करते हैं आपका करियर राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर
आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर कोई परेशानी आपको बार बार सता रही है, तो उसका अगर हल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और कुंडली के आधार पर जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर कॉल करें अथवा व्हाट्सएप मैसेज करें, हमारी तरफ से रिप्लाई झट से मिल जाएगा और आपके सभी प्रॉब्लम परेशानियों का समाधान भी किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं आपका करियर राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। अपनी व्यावसायिक सीमा को बढ़ाने के लिए ये दिन बहुत ही अच्छे रहेंगे। ये वो दिन है जबकि आपके कदम धरती पर नहीं टिकेंगे। इस समय आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। आपका रुझान अपनी व्यावसायिक और सामाजिक योग्यताओं को बढ़ाने में रखेगा। समय निकालकर अपनी ताकत और कमजोरी को पहचानने की कोशिश करें और फिर उन्हें सुधारने की कोशिश करें। अगर आप इसे बारे में जो कि सतर्क और जागरूक रहें कि दूसरे क्या कर रहे हैं, तो आप अपने व्यक्तिगत काम में बेहतर तरीके से सुधार कर सकते हैं। उनकी चिंताओं को समझने की कोशिश करें और एक तारतम्य स्थापित करें कि आप क्या चाहते हैं और उन्हें क्या चाहिए। अतीत में की गई निवेश की गलतियां का भुगतान अब आपको करना पड़ सकता है, लेकिन आप अपनी समझदारी से स्थिति को संभल सकते हैं। लव राशिफल की बात करें तो आपको केवल मनोरंजन और आराम के बारे में सोचना होगा। इसके साथ ही इंतजार करें डिवाइन लव का। आपकी रचनात्मक आपको वो सब प्रदान करेगी जिसके आप हकदार हैं। अपने रोमांस के सपनों में रंग भरने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता और कल्पना का सहारा लें। सोच समझकर ही कुछ बोले क्योंकि आपकी बातें दूसरों को ठेस पहुंचा सकती हैं। आप अपने भाई बहन, बच्चों और प्रियजनों के प्रति स्वयं को बेहद भावुक महसूस करेंगे। आखिर में बात करते हैं आपका स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आप खुद के लिए कुछ समय निकालें। कल के कार्य और जीवन शैली में दबाव और तनाव के कारण हम मनोरंजन के लिए समय नहीं निकाल पाते। अपने आप को इन भागते हुए कामों से दूर रखें, अन्यथा आप अच्छे स्वास्थ्य का लाभ नहीं उठा सकेंगे। आप कुछ समय जरूर निकालें ताकि आप दिमाग को शांत दे सकें। ऐसे पार्टनर की तलाश करें जो आपके साथ जो कि स्वस्थ आदतें बांटने के लिए तैयार हों। ऐसे लोगों से सावधान रहें जो आपकी बात सुने बिना ही केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपने फायदे के लिए आपको बेवकूफ भी बनाकर भावनात्मक रूप से आपको प्रयोग करना चाहते हैं। अगर वे अपनी हद से गुजर जाए तो आपको भी उनसे अलग हो जाना चाहिए। तो कुछ इस तरह से आपका जो कि कुंभ राशिफल रहने वाला है। वीडियो में बताई गई जानकारी जो कि ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महत सूचना पहुंचाना है। आप इसे सूचना हेतु लीजिएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप मानते हैं, अपनाते हैं या इनका उपयोग भी करते हैं तो इससे पहले अपने नजदीक के कुल पंडित से अवश्य संपर्क करेगा। आप चाहे तो ट्रेंडिंग राशिफल से भी संपर्क कर सकते हैं। कुंडली और इसमें मामूली सा बदलाव हो सकता है। तो आज की शुरू में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं नोडो के साथ। धन्यवाद।